फिलहाल बंद कर दिया गया। 24 मीटर ड्रिलिंग के बाद अब रेस्क्यू का काम बंद हो चुका है। अभी भी यहां पर 40 जिंदगियां मौत और जिंदगी के बीच जूझ रही हैं। अब नई मशीनों पर लोगों की निगाहें उम्मीदें टिकी हुई है। 7 दिन में सिर्फ 24 मीटर पाइप मलबे के अंदर पहुंचाया जा सका है और ड्रिलिंग के कंपन से लगातार मलबा गिरता जा रहा है। ऐसे में रेस्क्यू में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया। तस्वीरें देखिए, ड्रिलिंग मशीन रात को भी पहुंची थी, रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन चला। दीपावली के दिन देखिए हादसा हुआ था और उसके बाद से अब तक 40 मजदूर यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिन्हें लगातार पाइपलाइन के जरिए खाना पानी और ऑक्सीजन भी पहुंचाई जा रही है, लेकिन अब तक रेस्क्यू ऑपरेशन सफल नहीं हो पाया है। लोगों को बाहर नहीं निकाला जा सका है। उत्तरकाशी में दिवाली के दिन सुबह 4 बजे एक निर्माणाधीन टनल का 60 मीटर का हिस्सा धस गया था। इसमें 40 मजदूर फंसे थे और 7 दिन होने के बाद अब भी मजदूर यहां पर फंसे हुए, जिन्हें निकालने की कोशिश लगातार की जा रही है। फिलहाल रेस्क्यू ऑपरेशन बंद है, लेकिन नई मशीनों पर उम्मीद टिकी हुई है।